नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना गया है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वहां खुद माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है और हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी का जीवन साथी अच्छा हो। हर एक माता पिता की यह सोच होती है कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में बहू बनकर जाए। मित्रों, वैसे तो आपने आज के वर्तमान समय में देखा ही होगा कि जो अधिक पैसे वाले होते हैं उन्हीं को अच्छा लड़का मान लिया जाता है और अधिकतर माता पिता उस लड़के के चरित्र को समझे बिना ही अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं और शायद यही कारण है कि आजकल शादीशुदा जिंदगी उतना सफल नहीं हो पाते जितना पौराणिक काल में हुआ करते थे। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अपनी बेटी का विवाह कैसे घरों में नहीं करना चाहिए। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वैसे तो हर लड़की के माता पिता यही सोचते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले जो उसका ख्याल रखे, हमेशा उसका साथ देने की कोशिश करे और उसे कभी परेशान ना करें। और मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि किसी कन्या का शादी कराना कन्यादान के श्रेणी में आता है और दान उसी चीज का किया जाता है जो अनमोल होता है। हर माँ बाप के लिए अपनी बेटी अनमोल हीरा के समान होती है। ऐसी स्थिति में कैसे भी इंसान के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, स्कंद पुराण में उल्लेख है कि किसी भी माँ बाप को अपने बेटी का विवाह घर से थोड़े पास और घर से ज्यादा दूर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बेटी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुराणों में इन बातों को लिखा गया है कि जो व्यक्ति आपसे ज्यादा धन या फिर आपसे ज्यादा ही गरीब हो, ऐसे मनुष्य के साथ भी अपने बेटी का विवाह भूल से भी ना करवाएं, क्योंकि ऐसे घर में जाकर वह हमेशा दुखों का सामना ही करती है। मित्रों, इसके अलावा पुराणों में इस बात का भी उल्लेख देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन को चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप का खर्चा नहीं उठा सकता, उस इंसान के साथ कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति तो खुद का जीवन चला नहीं सकता तो आपके बेटी का जीवन क्या ही चला पाएगा। और ऐसे लोगों के साथ आपके बेटी को हमेशा दुखों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए भूल से भी ऐसे लोगों के साथ रिश्ता ना जोड़े। मित्रों, इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी उल्लेख है कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा होने का दिखावा करते हैं या फिर अपने आप को बड़ा समझते हैं, वह हमेशा किसी न किसी चीज से परेशान होते ही रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ भी अपने कन्या का विवाह करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि जो आदमी खुद को बड़ा माने तो वह अपनी पत्नी का सम्मान कैसे करेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित रहता है, उसके साथ भी आपको अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी वैसे जीवन साथी के साथ खुश नहीं रह पाएगी। स्कंद पुराण के मुताबिक किस घर में अपनी बेटी का विवाह भूल से भी नहीं कराना चाहिए, आगे और जान लेते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में बताया गया है कि जिन लोगों की कुंडली नहीं मिलती उन लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग कुंडली नहीं मिलने के बावजूद भी शादी कर लेते हैं उनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती है। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में विवाह से पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है और इन कुंडली के गुणों का मिलना बहुत ही आवश्यक माना गया है। जिनके आपस में नहीं मिलने पर शादी के बाद उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और परिवार के लोग भी ऐसी शादी की अनुमति बिल्कुल नहीं देते।
मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली के 36 गुणों में से जितने ज्यादा गुण एक दूसरे के मिलते हैं, वह शादी उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है और विवाह के लिए लड़की और लड़के के 36 में से कम 18 गुण जरूर मिलना चाहिए। और जो भी लोग बिना कुंडली को मिलाए शादी कर लेते हैं, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों के गुण 18 से कम मिलते हैं, उनका वैवाहिक जीवन दुखों से भरा रहता है। ऐसे दंपत्ति को अपने वैवाहिक जीवन में कई तरह के परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लोग प्रेम विवाह में कुंडली या फिर गुणों के बारे में कोई जानकारी नहीं लेते, जिस वजह से विवाह के कुछ समय बाद उन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। ऐसे में उनका शादीशुदा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। और तो और, कुछ मामलों में दंपत्ति एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। यही कारण है कि सभी बड़े बुजुर्ग कुंडली मिलाने के बाद ही विवाह करने का परामर्श देते हैं। मित्रों, वैसे तो आपने यह भी देखा होगा कि कई बार कुंडली मिलने के बावजूद भी शादी के रिश्ते में दरार आ जाती है और शादी टूट जाती है। ऐसे में वरवधु की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसका कारण केवल ग्रह ही होते हैं जो अपने चाल बदलते रहते हैं, जिस वजह से पति पत्नी के बीच संबंध खराब होते हैं। मित्रों, अब जाते जाते आपको बता देते हैं कि वह कौन से 36 गुण होते हैं जिनका मिलान विवाह के लिए किया जाता है। मित्रों, शादी के समय कुंडली मिलान के लिए अष्टकूट गुण देखे जाते हैं, जिसमें नाड़ी के 8 गुण, भकूट के 7 गुण, गण मैत्री के 6 गुण, ग्रह मैत्री के 5 गुण, योनि मैत्री के 4 गुण, तारा बल के 3 गुण, वस्य के 2 गुण और वर्ण के 1 गुण का मिलान किया जाता है। और दोस्तों, इस तरह से सब मिलाकर कुल 36 गुण मिलते हैं। बता दें, इसका मिलान इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अनुकूल रहे, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सके, धन से संबंधित कोई समस्या ना हो और वह दीर्घायु हो, उनके जीवन में कोई भी समस्या ना आए। लेकिन मित्रों, वैसे तो 36 के 36 गुण मिलना असंभव है, क्योंकि केवल भगवान राम और माता सीता के ही 36 गुण का मिलान हुआ था। तो मित्रों, आज आपने जाना कि अपनी कन्या का विवाह किसके साथ नहीं करना चाहिए, तो आप हमेशा सोच समझकर अपनी की शादी करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।